नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को हमारे प्रोग्राम 10 मिनट के स्टॉक आइडिया में वापस मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ऐसी कंपनीज आपको प्रेजेंट करते हैं जहां पे बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होता है, कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, प्रमोटर्स अच्छे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम आपको प्रस्तुत करते हैं इसमें डेफिनेटली आपको वैल्यूएशन मिलता है। तो इस हफ्ते दोस्तों हम एक ऐसी कंपनी आपको प्रेजेंट करने वाले हैं जो बेसिकली नॉन डिजिटल बिजनेस चलाती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम इकोनॉमी में करती है। बेसिकली कैश मैनेजमेंट और जो एटीएम मैनेजमेंट होता है और प्लस जो फिनटेक सर्विसेज होते हैं उनको सपोर्ट करने वाली कंपनी है। कंपनी का नाम है CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी करीबन 6 महीने पहले पब्लिक इशू लेके आई थी, करीबन 250 के 215-216 के आईपीओ के प्राइस पे। अभी प्राइस चल रहा है 260-265 रुपया। ये कंपनी आपको क्यों इंटरेस्टिंग लग रही है, कंपनी क्या करती है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे और आपको ये भी लॉजिक बताएंगे कि ये कंपनी को क्यों आपको सीरियसली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो दोस्तों, पहले बात तो ये कंपनी इंडिया की काफ़ी पुरानी कैश मैनेजमेंट कंपनी है, एटीएम मैनेजमेंट सर्विसेज करती है और जो ATMs के रिमोट मॉनिटरिंग भी होती है उसका भी कारोबार ये करती है। तो इनके बिजनेस बेसिकली तीन हिस्सों में बटा है। एक तो प्योरली बैंकों के साथ जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके वैन से, वो एक बिजनेस है। दूसरा ATM मैनेजमेंट सर्विसेज होता है और तीसरा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अभी जब ये कंपनी का IPO आ गया दोस्तों, काफ़ी लोगों को लगा कि ये कैश मैनेजमेंट की कंपनी है, इसमें कहाँ से बड़ा ग्रोथ आएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो ATM मैनेजमेंट होता है, कैश मैनेजमेंट, वो बेसिकली एक लॉजिस्टिक ड्रिवन बिजनेस है जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है और रिमोट मॉनिटरिंग जो ATMs का होता है वो भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन बिजनेस है। तो इसमें इतना आसान नहीं है कि कोई नया खिलाड़ी इसमें आए, इसमें एक या दो और खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पे RBI के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, इनको सेट रेगुलेशंस अडॉप्ट करने पड़ते हैं और जो कंपनीज यहाँ पे ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं उन्हीं को ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात, इसलिए कंपटीशन लिमिटेड है और इकोनॉमी में जिस प्रकार का रेगुलेशन हमने डिजिटल में देखा है दोस्तों, कैश का भी सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन 15-16% कैश सर्कुलेशन में अभी फिलहाल है और हमको लग रहा है कि रिमोट प्लेसेस में जहाँ पे फिनटेक की जरूरत लोग कम यूज़ करते हैं वहाँ पे कैश मैनेजमेंट और ATM सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है, ATM मैनेज सर्विस कंपनी, और करीबन 15,000 पिन कोड्स में इनके जो पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनके लिए बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब वो किसी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो ये कमिट करते हैं कि कितना जल्दी ATM के फुटफॉल्स बढ़ेंगे, वो कितना जल्दी ATM इनके काम में आएगा, कितना बिजनेस जनरेट होगा। तो ये सब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सो दोस्तों, इसलिए इस बिजनेस को आप नॉर्मल कैश मैनेजमेंट नहीं बट एक सॉफ्टवेयर कम बेसिकली कैश मैनेजमेंट जैसी कंपनी को आपको देखना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस करीबन 25 साल से ये ऑपरेशंस में है, इन्होंने कोई भी कर्जा लिया नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। और अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, पिछले साल दैट इज पब्लिक इशू के पहले जो साल था FY21, तभी करीबन 1300 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, कामकाजी रेवेन्यू, और उसमें करीबन 21-22% का ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कमाया था और प्रॉफिट करीबन 160 करोड़ था। अभी इस बिजनेस को FY22 में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्केल अप किया है, काफ़ी नए बैंकों से इनको ऑर्डर मिले हैं। इनका जो मेन कस्टमर बेस है, मैं बता दूं, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और ये बैंकिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दोस्तों काफ़ी बैंक्स जिनमें हमने बात की उन्होंने हमको कहा कि आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश मैनेजमेंट और ATM की जो सर्विसेज है वहाँ पे बैंक्स खुद कुछ नहीं करेंगे, वो ये सर्विसेज आउटसोर्स करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी अगले 3-5 साल के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रांग है और ग्रोथ रेट्स ये इंडस्ट्री के कम से कम 25-30% हर साल होने की उम्मीद है। अभी दोस्तों, पहले 9 महीने में इन्होंने ऑलरेडी 1145 करोड़ का रेवेन्यू किया है, करीबन 26% का ऑलरेडी EBITDA मार्जिन कमाया और 9 महीने में ही इन्होंने करीबन 168 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो नॉट ओनली EBITDA मार्जिन इम्प्रूव हो गया, जो पिछले साल 22% था, इस साल 26% हो गया है।
रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 40% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा 39% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 35% बढ़ा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स है। हमारा मानना है कि ये स्ट्रांग परफॉर्मेंस आपको चौथे तिमाही में भी देखने को मिलेगी और पूरे साल के लिए ये कंपनी करीबन 220-230 करोड़ के प्रॉफिट कमाएगी और आने वाला साल में दैट इज़ FY 2023 में यानी एक साल के बाद करीबन 275 या 290 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। अगर अर्निंग्स पर शेयर की बात करें दोस्तों तो पिछले साल दैट इज़ FY 2021 में कंपनी ने करीबन 10 रुपये की अर्निंग कमाई थी, इस साल कम से कम 15-16 रुपये की अर्निंग FY 2022 में आएगी और आने वाला साल दैट इज़ FY 2023 में हमको लग रहा है कि करीबन 19-20 रुपये की अर्निंग आएगी। स्टॉक 215-16 के IPO प्राइस से 260 रुपया चला है लेकिन हमको लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशंस स्टॉक के फेवर में है। अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहता है तो बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन यहाँ पे आने वाला नहीं है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कस्टमर्स कंपनी के साथ रहते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो बिजनेस बहुत ही स्टेबल है और जिस प्रकार के वैल्यूएशंस इस कंपनी को मिलने चाहिए हमको लग रहा है कि उनको अभी करंटली मिल नहीं रहे। तो डेफिनेटली इसको हमको लग रहा है कि साल भर का नज़रिया कोई लेता है तो हमको लग रहा है कि 350-360 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है ऐसे बाजार में जो क्रूड ऑयल प्राइस या रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन से बिल्कुल कोई कनेक्शन रखता नहीं है और उस हिसाब से इनके नंबर्स में कोई मार्जिन कॉम्प्रेशन आएगा ऐसा लगता नहीं है। सो दोस्तों इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए और मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड करंट प्राइस से भी आपको मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। आपको कैसे लगा, कुछ और कमेंट्स आपको कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए, हमको ज़रूर अच्छा लगेगा और हम उसको डेफिनेटली आंसर करेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ सभी को धन्यवाद, थैंक यू।